अस्सलाम वालेकुम तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है आइए नाजरीन फ़ेस ऑफ द वीक में आज हम आपके रूबरू करने जा रहे ऐसी शख्सियत को जिनका नाम बड़े मालिक हदस बादशाह हदस बादशाह वो शख्सियत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफ़ी इनके खदमात है सोशल वर्कर है और कई ऐसे सामाजिक काम हैं जो खुदस बादशाह के काफ़ी फॉलोवर्स है तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में खुदस बादशाह फिल वक्त आज हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं फेज ऑफ द वीक में आपके रूबरू करने जा रहे हैं हम जनाब बड़े मालिक खुदस बादशाह खुदस भाई वालेकुम सलाम सबसे पहले तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आपका खैर मकदम है और आज हमारे चैनल के ऊपर आप फेज ऑफ द वीक में है खुदस भाई आपसे पहला सवाल ये है आप ये जो काम कर रहे समाज का जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ है इसके ऊपर हमारे नाजरन को ज़रा खुले उसमें बताइए सबसे पहले आपको बड़े मालिक का जो खिताब है उस बारे में ज़रा हमारे नाजरन को बताइए वालेकुम। सबसे पहले टी एन टी न्यूज वाले को मेरा प्रणाम कर रहा हूँ मेरे कहाँ इन्वेट करने के लिए और तोफ़ी भाई को भी आपको सलाम कर रहा हूँ ये खिदमत करने का वो बचपन से हमारे बड़े लोगों भी हमारे सब लोग से करते थे हमारे पापा उन्होंने भी हम जमींदार थे एक ज़माने में हमारे गाँव में भी हम कर 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 चुके हैं बाद में वही आदत हमारे को मेरे भी आ, आ, आ चुकी है सिटी में और कुछ ना मदद करने वाले कुछ जान पहचानत वाले और शादी के लिए लड़कियाँ कुछ क्या तो मदद मांगे तो और पढ़े के लिए और हॉस्पिटल के लिए कोई मदद मांगे तो मेरा पहचानत का डॉक्टर आग में इमीडिएटली कॉल करके और उनकी उनके पा, उनके पास अच्छा बुरा लेकर मैं आगे बढ़ाता रहता कोई भी कोई भी एनी टाइम फ़ोन करे तो भी मैं उनको रिस्पॉन्स पक्का देता हूँ मैं या डॉक्टर हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो यानी वो मेरे को बचपन से वो क्या है कि अल्लाह ताला मेरे को क्या आदत दिया कि कोई भी फ़ोन करी तो मैं उसको रेस्पॉन्स देखो काम तो करने की कोशिश पक्का कर दूँ ये है तोफिक भाई और बड़े मालिक खुदस बादशाह ये बड़े मालिक का मतलब क्या है बोले तो एक ज़माने में हमारे दादा के पास लाख रुपए रहेंगे थे इस वजह से हमारे दादा हमारे पास लाख रुपए है बोल के एक झंडा बता दिए कहते थे अच्छा। जब जब ये सब बैंका वगैरह नहीं था ना पैसा लेकर अब मेरे पास है बोल के जब इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं उस वजह से वो ब्रिटिश वाले बड़े मालिक भी भी बिल्कुल रख दिए वो अल्लाह ताला दादा दादा हमारे परदादा सी हम जरा ज़मींदार है बिल्कुल बड़े मालिक हद्दस बादशाह बड़े मालिक ऐसा मंसूर बादशाह हमारे भयाँ के नाम पूरा वैसा हमारे ख़ानदान सब बड़े मालिक साहब आपसे एक सवाल ये है कि आप जो है हैदराबाद में कब से हैं तकरीबन ट्वेंटी फाइव ईयर्स मेरी शादी को इक्कीस साल हुआ उससे पहले

तकरीबन ख़रीब आने के लिए भी डर रहा था जी। वैसे टाइम पे भी हम आगे बढ़कर खाना देने वाले हैं खाना दिए डॉक्टर को जाकर हमें डॉक्टर को जाकर पहचानत को ये इनके बीवियाँ हो इनके बच्चे हो और डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा है तो नहीं भाई साहब हमारा आदमी है कुछ भी नहीं होता बल्कि हम ऐसा मदद करके उनको फेस फेसान दे नहीं दे कर, भी कितने के आठ दिन दस दिन हुआ रहता है तकरीबन उनको वैसी भी कोशिश करके को मदद किए हमें और एक एक आपसे बात यह है कि आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो यहाँ पर जिस खतर अब आज के दौर के अंदर जो नौजवान जिस तरीके से ड्रग्स होगा कतल हो गई शराब नोशी हो गई सुसाइड हो गए मियाँ बी के झगड़े इसके ऊपर नौजवानों को क्या आप एक मैसेज देंगे ये देखो भाई ये सब खराब मेरी नज़र में ख़राब होने के लिए YouTube 75 फाइव परसेंट ये 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 इससे पहले हम हम छोटे रहने की ज़रा फिल्म देखकर कर जाकर एक घंटा तीन घंटे देखकर बाहर कहता को माइंड रिलीफ हो जाता था ये नहीं है ये हर ये लोग ये यंग सोसाइटी कहीं सकते ट्वेंटी फोर आवर्स ये यूट्यूब देख कर मेरी नज़र में सेवेंटी फाइव परसेंट यूट्यूब ही चूँ और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें अच्छा भी है बुरा भी है नहीं बल्कि नहीं लेकिन हम हमारे बच्चे अच्छे लिए तो अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन तकरीबन 90 परसेंट बुरा ही ले रहे हैं अच्छा उसका से यह ड्रग्स वगैरह फिर भी, भी गवर्नमेंट या तेलंगाना हो या आंध्रा हो बहुत कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट का कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन फिर भी हाँ हाँ चल रहे हैं उतना तो बहुत मैंने काफ़ी कम हो चुके हैं लेकिन तेलंगाना हो या आंध्रा में हो गवर्नमेंट बहुत स्टडी कर लेकर लड़कियां को लड़के को ये भी है कि ये इक्कीस साल के बाद शादी बोलकर वो भी अच्छा कंट्रोल करिए नहीं।, नहीं तो वो भी बच्चा अठारह साल में भाग कर चले जाकर कर वो तंतु नैंतु तो करना सही है या गलत है गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है उसके ऊपर आपका क्या है जब बच्चों को क्या नसीहत देंगे आप नसीहत का तो हम कैसा है साहब भाई साहब बोलने के लिए मुस्लिम्स का ला एक है गैर आदमिया का ला एक है हमारे ला के हिसाब से हुआ तो थोड़ा जल्दी करना चाहिए लेकिन ला ला सब ला तो एक ही है ना या हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो अब जो गवर्नमेंट रखे उसके फॉलो करना हमारे ज़रूरी है बस ठीक है वो ये इक्कीस साल ही वो, अब गवर्नमेंट जो रखे उसको हमें मानना है अब हमारे पर्सनल मैटर को हम नहीं आना है नहीं। वो खुद भाई शाह कहा आगे चल के जिंदगी में कोई एक मकसद क्या है दूसभा जिस तरीके से अब काम करते निकले समाजी खिदमत है कई ऐसे चीज़ों में कर रहे हैं आपका मेन बड़ा मकसद क्या है ज़रा वो एक बार खुलासा करें तो मेहरबानी ये अच्छा मेरे दिल की बात है, है। आपको मैं ज़रूर बताऊँगा सबसे पहले मैं जो कमाया जो नहीं कमाया या बड़ों की प्रॉपर्टी हो या गमाया कमाया वो अल्लाह तक मालूम लेकिन सबसे पहले मेरी नीयत एक है पहले मेरे गांव पर मस्जिद बनना बल्कि है मेरी नीयत कामयाबी दे आपकी नीयत मुझे मस्जिद बनने की बहुत बड़ी नीयत है अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में मुझे वो एक मौका मैं हर हर वक्त मेरी नमाज में मैं दुआ मांगता हूँ मस्जिद बनने की ताकत तोफ़ी अदा फरमा दे।, दे अब जितनी हो सके उतने भाइयों और बहनों को मदद करने की कोशिश करता हूँ और शादी नहीं होने वाले लड़कियाँ जितना है उतना मैं मदद करना चाहता हूँ और गरीब लड़के हो या लड़कियां हो कोई भी मदद मांगे तो मेरी जितनी ताकत है उतनी कर रहा हूँ करूँगा भी ये आखिरी सवाल आपसे जी आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखो हमारे पांच भैया पांच बहन हमारे गांव में तो पाँच सौ एकड़ ज़मीन थी हम जमींदारा थे फिलुकत तो अल्लाह ताला गवर्नमेंट तेलंगाना में तेलुगु गंगा में बिल्कुल पूरा चले गया है और थोड़ा हमारे भैया और सब फैक्शन का इस वजह से थोड़ा ये हो गए अब हमारे भाई भी एक फैक्शन में मर्डर करे हुए वो कांग्रेस में अब वो नाम नहीं बताना चाहूँगा हो गया हो चुका बस यही है मेरी आगे चल के खुदस भाई कुछ सियासी पार्टी से कुछ इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते क्या हाँ नहीं जी फिलोत तो वो इरादा तो नहीं माता जी इनशाला फ्यूचर में देखेंगे अल्लाह ताला तकदीर में जो लिखा है वो कोई भी बचा नहीं सकता लेकिन तो नीयत तो मैं आगे चार लोग करने के लिए चार कोई आदमियां मदद करने के लिए मैं मेरा ख्याल बड़ा है मैं आगे बढ़ूँगा इन शी मुझे कामयाब होने की तो मेरे दिल में बहुत को यह है मैं कामयाब होंगे बल्कि ओके जी हाँ नाजरीन ये थे बड़े मालिक ख़ुदस बादशाह इनसे एक तफसी गुफ्तु हुई नाजरीन आप दीजिए मुझे इजाज़त मैं आपका साथी सैद तौफ़ी अहमद फिर एक हफ्ते में एक नए चेहरे के साथ आपके रूबरू आएंगे जब तक के लिए देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे